नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि क्यों आपको गेहूं से बनी हुई जो फलके होते हैं, गेहूं से बनी हुई जो रोटी होती है जिसे हम इधर फलके कहते हैं राजस्थान में, क्यों आपको ये खाने नहीं छोड़ने चाहिए, क्यों आपको गेहूं खाना नहीं छोड़ना चाहिए बॉडी बिल्डिंग में या फिटनेस में, या एक आम आदमी हो तो उसे क्यों ये खाना नहीं छोड़ना चाहिए। देखो, सबसे पहले बात करते हैं किसे खाना छोड़ देना चाहिए। देखो, जिसे ग्लूटेन, जिसने डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट वेस्ट कराया और जिसको सही में ये पता चल गया उसको ग्लूटेन जो कि गेहूं में प्रोटीन होता है उससे दिक्कत है, तो वो छोड़ सकता है। मैंने इस पर एक पूरा वीडियो बनाया था कि कौन ग्लूटेन खाना छोड़ सकता है और कब, हु शुड स्टॉप ईटिंग ग्लूटेन एंड व्हेन, मैंने एक वीडियो बनाया था अभी से एक या दो वीडियो पहले ही है, आप वहाँ पे जाकर के देखो जरूर, ठीक है। अब अगर हमें पता चल गया उस वीडियो को देख करके कि हमें ग्लूटेन छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें रोटी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, गेहूँ की हमें बल्कि छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम और फिर भी हम छोड़ देते हैं तो हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, वो नुकसान हमें बताओगे तभी तो हम नहीं छोड़ेंगे, तो हम उसे छोड़ देंगे तो हमें क्या नुकसान होंगे। मैंने बताया था कि हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो गेहूँ है ये गेहूँ आप खाओगे तो आपकी आंतों, ये जो इसमें ग्लूटेन है वो आपकी आंतों के जो अच्छे बैक्टीरिया है उनको बढ़ोतरी देगा और जो आपकी खराब बैक्टीरिया है वो नहीं बढ़ेंगे, और अगर आप इसे खाना बंद कर दोगे तो आपके खराब बैक्टीरिया बढ़ने लगेंगे, अच्छे बैक्टीरिया खराब होने लग जाएंगे जिससे आपकी सेहत खराब होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैंने ये भी बताया था आपको, मैं ये चीज़ें पहले काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ पर फिर से बता रहा हूँ क्योंकि इतनी ज़रूरी है किसी आजकल, क्योंकि आजकल इतनी हवा बनी हुई है, रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, गेहूं की चीज़ें मत खाओ, उनमें ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन आंतों में जमता है और उससे विटामिन मिनरल एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, ये वो आजकल पता नहीं कितनी बातें फैली है, इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं हर वीडियो में बार बार बता रहा हूँ, इस बार बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। अगर खाना छोड़ दोगे तो हो सकता है तुम्हें ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो जाए, मतलब तुम अभी गेहूं की रोटी पचा पा रहे हो, ठीक है, तुम अभी पचा पा रहे हो, तुमने इंटरनेट पे देखा कि यार ग्लूटेन फ्री खाना चाहिए, ग्लूटेन नहीं खाना, तुमने खाना छोड़ दिया, काफ़ी टाइम तक तुमने नहीं खाया, कई महीने साल हो गए तुमने नहीं खाया, तो फिर हो सकता है तुम्हें पचना बंद हो जाए, और अब वो एक बीमारी है, वो तुमने पचना बंद हो जाएगी, तुम खाओगे तुम्हें बहुत दिक्कत दे सकती है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि तुम बैठे बैठे तुमने इंटरनेट पर देखा कि ग्लूटेन की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, अच्छा, तुमने और कुछ नहीं पता किया, कुछ नहीं, किसी डॉक्टर से बात नहीं करी, कोई मेरा वीडियो भी नहीं देखा तुमने, बस मतलब मैं कोई अपनी तारीफ फिरने के हिसाब से नहीं कह रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ कि तुमने कोई सही ज्ञान दे रहा हो उससे पता कराओ कि यार सही ज्ञान क्या है, तुमने कुछ पता नहीं करा, तुमने देखा अच्छा ग्लूटेन नहीं खाना चाहिए, अच्छा गेहूँ में होता है, अच्छा अच्छा उससे रोटी बंद, अच्छा अच्छा मसल गेन करनी है रोटी बंद करनी पड़ेगी, कर देंगे 4 महीने 6 महीने बंद करते हैं, अच्छा फैट लॉस, रोटी खाने से फैट लॉस नहीं होगा वो भी बंद कर देंगे, फलके नहीं खाएंगे, फलके मैं बोलूँ तो समझ जाना मैं गेहूँ की रोटी बात कर रहा हूँ, तो तुमने क्या किया, बंद कर देंगे, तुम्हें पता तुमने क्या किया, तुमने घर बैठे बैठे जो चीज़ तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी थी उसे खाना छोड़ के अपनी सेहत खराब करी, और तुमने बैठे बैठे घर में एक बीमारी पाल ली जो कि अपने आप में बहुत तकलीफें देती है, ठीक है, सिर्फ क्यों, क्योंकि तुमने बॉडी बिल्डिंग को बहुत फॉलो करते थे, फिटनेस को बहुत फॉलो करते थे और उसमें ये आ गया कि ग्लूटेन फ्री खाना चाहिए, ग्लूटेन नहीं खाना चाहिए। अच्छा, फिर अगर ये जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस के ग्लूटेन तुम्हारे शरीर में बच नहीं रहा, अगर ये बीमारी तुम्हें हो गई तो ये जेनेटिक बीमारी है, अगर तुम्हें हो गई तो हो सकता है कि तुमने तो सोच लिया कि अब नहीं खाएंगे और तुमने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया, लेकिन तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे बच्चों के बच्चों ने अगर खाया तो उन्हें ये बीमारी होने की संभावना है और उन्हें इस बीमारी से तकलीफ हो सकती है, मतलब काम तुमने करा, तकलीफ तुम्हारे आने वाले बच्चे, उनके बच्चे, बेटे पोते, ये सब तकलीफ देख सकते हैं तुम्हारे गलत निर्णय के कारण, कम ज्ञान के कारण जो तुमने निर्णय लिया। अच्छा, अब बात कर, कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें ग्लूटेन से कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें फलके खाने नहीं छोड़ने चाहिए, सीधी सीधी बात है, गेहूँ खाना नहीं छोड़ना चाहिए। अब आते हैं, हमारे पूर्वज थे उन्होंने ये हमारे, देखो जहाँ पे चावल, देखो आयुर्वेद के हिसाब से जहाँ पे जो चीज़ उगती है वो उस वातावरण में होगी है, तो उस वातावरण में रहने वाले लोगों को वो चीज़ खानी चाहिए, मतलब वो वहाँ की चीज़ खाएं, जैसे अगर हम राजस्थान में रह रहे हैं, वो रेगिस्तान की जगह है, वहाँ पे अगर बाजरी उग रही है
तो हम यहाँ पे ज्यादा चावल नहीं खाएं क्योंकि चावल उधर साउथ में उगते हैं भारत में, तो उधर, और जबकि साउथ में उगते हैं तो वो ज्यादा बाजरी नहीं खाए, वो चावल ज्यादा खाए, जैसा कि वो भी रहे, तो जो चीज यहाँ पे उगती है वहां पे वो खाई जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस वातावरण में जो इंसान रह रहा है उसको वही चीज ज्यादा सूट करेगी जो उस वातावरण में उगी है, ठीक है, जिस चीज को वो वातावरण सूट कर रहा है, ठीक है। अब इधर नॉर्थ की बात कर लेता हूं मैं, जो नॉर्थ इंडिया है इसकी, यहाँ पे आम घरों में क्या होता है, सुबह फलका सब्जी, शाम को फलका सब्जी दाल, यही सब, ठीक है, यही हमारे पूर्वज सैकड़ों सालों से, शायद हजारों सालों से करते आए हैं, और हमारे पूर्वज सौ सौ साल से बड़ी उम्र लेकर के जी करके जिंदा रह करके जी करके गए हैं, स्वस्थ जी करके गए हैं, हमसे ज्यादा सेहतमंद जी करके गए हैं। ये एकदम साफ दिखाता है कि गेहूं हमारे शरीर के लिए कुछ भी खराब नहीं है, उल्टा पूरी जिंदगी रोज गेहूं खा करके अगर कोई 100 साल जी के जा रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए जरूरी भी हो सकता है, जो कि विज्ञान भी मान रहा है कि हमारे लिए शरीर के लिए जरूरी है, और हम ये भी देख सकते हैं कि ये वो चीज है जो हम रोज खा करके 100 साल जी सकते हैं, इतनी सेहतमंद है और इतनी कह सकते हो जरूरी है हमारे शरीर के लिए, पूरी जिंदगी खाई जा सकती है, ठीक है। उन्होंने खा करके दिखाया है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, हमारे पूर्वज खा करके दिखाया है, तुम्हें भी पता है, तुम्हारे दादा दादी नाना नानी ये सब खाते आ रहे हैं, तुमने भी देखा है। अब सवाल उठता है कि सिर्फ यही क्यों, इसी को क्यों चुना। देखो ऐसा है कि आज से हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले विज्ञान को तो इतना कुछ पता नहीं था, आज भी उसे बहुत कुछ पता होना बाकी है। उस वक्त पर हजारों साल पहले आयुर्वेद था, हो सकता है उस वक्त उन्हें ये चीजें आयुर्वेद से पता चली हो, आयुर्वेद तो आज भी है, और हो सकता है आयुर्वेद को जो गहरे जानकार है उन्हें ये चीजें आज भी पता हो, पर क्या है कि आजकल आयुर्वेद के उतने गहरे जानकारी बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, और हम लोगों को कुछ पता नहीं है ना, हमें कोई ऐसे एकदम आयुर्वेद के गहरे जानकार बता रहे हो या बताने वाले हमारे आसपास हो जो हमें बता दें, तो क्या है कि उन्हें उस वक्त आयुर्वेद से हो सकता है पता चला हो, इसलिए उन्होंने अपने सुबह शाम के खाने में फलके रखे हों, लेकिन हमें नहीं पता तो हमने अपने मन से हटा भी दिए, उन्हें हो सकता है उस वक्त आयुर्वेद से पता चले हो, ठीक है, हमें ज्ञान नहीं है, हमने अपने अपनी होशियारी में हटा दिए खाने से, थोड़ा सा कहीं इंटरनेट पे देखा ये ग्लूटन नहीं खाना, नहीं खाना, हमने हटा दिए खाने से, ऐसा नहीं करना। हमारे को एक जिंदगी मिली है, 100 साल की जिंदगी मान लो, ठीक है, आजकल तो वैसे आम उम्र कम मानी कम है, 62-65 के आसपास की होगी, पर मान लो कि तुम डंका खाओगे और डंका जियोगे तो 100 साल जी जाओगे मान लो, तो तुमने अगर अपनी 100 साल की उम्र मांगी है, मानी है, और इसमें मान लो आज से 40 साल बाद साइंस को जो पता है उसमें कुछ और नया पता चलेगा, 80 साल बाद कुछ और नया पता चलेगा, तो तुम इंतजार करोगे कि साइंस को कुछ नया पता चले तुम अपनी जिंदगी में बदलाओगे, तो 100 साल की जिंदगी है उसको कितनी बार जियोगे, एक ही बार तो जियोगे ना, तो उसमें एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो खुद के ऊपर। जो हमारे पूर्वजों ने किया है सैकड़ों हजारों सालों से करते आए हैं, जो उन्होंने इतने सैकड़ों हजारों सालों तक करके हमें दिखाया है कि भाई ये चीज हमने सिद्ध कर दी, ये सही है, हमने अपने ऊपर करके दिखाया, तो ये देख लो ये हमारे ऊपर सही लागू हुआ है, और एक जगह पे नहीं पूरी पूरी प्रजातियों पे, लाखों करोड़ों लोगों पे सही लागू हुआ है, तो तुम पे भी सही लागू होएगा, होना चाहिए, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया, तो फिर उन्होंने जो रास्ता दिखाया उसी पे चलो, कि तुम अपनी तरफ से आधे अधूरे ज्ञान से या थोड़ा सा ज्ञान कहीं से इंटरनेट से मिल गया उस ज्ञान से अपनी होशियारी लगा करके तुम उस पर चलने लग जाते हो, क्यों अपनी जिंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्यों एक नया रास्ता निकाल रहे हो जिस पे पता नहीं कोई पहले चला है नहीं चला है कोई, या फिर उस रास्ता सही है नहीं ये भी सिद्ध नहीं हुआ है, तुम बस उस रास्ते पे चल गए, उस रास्ते पे चल रहे हो, वो रास्ता तुम्हें नुकसान कर जाएगा, तब जिस जो रास्ता प्रूव कर दिया हमारे पूर्वजों ने, सिद्ध कर दिया कि सही है, उस पे चलो, उस पे वो भी तो चलते हैं, उन्हें भी तो अपने पूर्वजों से मिला था, वो भी तो चलते हैं, उस पे तुम भी चलो, क्यों एक नया रास्ता निकाल रहे हो, हाँ एकदम हमने कर दी भाई ग्लूटेन फ्री खाएंगे हम, हमने कर दी फलके बंद कर दिए खाने से, हमने रोटी नहीं खाएंगे हम ग्लूटेन फ्री खाएंगे, क्यों एक नया रास्ता निकाल ले जिस पे तुम्हें पता नहीं ये सही है कि नहीं है, ये किसी को तुमने सैकड़ों हजारों सालों तक इस रास्ते पे चलते हुए देखा नहीं है, सिद्ध नहीं किया किसी ने इसे तुम्हारे सामने, तुम्हारे पूर्वजों ने जो रास्ता सिद्ध किया उस पे चलो, एक नया रास्ता निकालिए, क्यों अपनी जिंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक ही तो जिंदगी मिली है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जिंदगी बहुत छोटी है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, दूसरों के अनुभव से सीखो, दूसरों ने जो जिंदगी जी है उससे सीखो,
एक्सपेरिमेंट करने में मत निकालो जिंदगी। अब एक और गहरी बात समझने की कोशिश करो कि हमारे पूर्वजों ने, देखो जिस तरीके का तुम खाना खाते हो, जिस तरीके के तुम वातावरण में रहते हो, उससे धीरे 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 लंबे समय तक ऐसा करते 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 तुम्हारे जो जीन्स है, तुम्हारे शरीर के अंदर जो जेनेटिक्स बोलते हैं जिनको, जो जीन है, हेरिडिटी है, वो बनने लगती है। तुम्हारे पूर्वज सैकड़ों हजारों सालों तक, जैसे मैं राजस्थान की बात करता हूँ, हरियाणा की बात करता हूँ, तो यहाँ पे राजस्थान में रेगिस्तान है मान लो, तो सैकड़ों हजारों सालों तक मेरे पूर्वज यहाँ पे जीते आए रहते हैं, यहाँ का जो खाना है वो खाते हैं, या हरियाणा के लोग हरियाणा में जैसा भी वहाँ पे वातावरण है उसमें जीते आए खाते हैं, ऐसा वो सैकड़ों हजारों सालों तक करते आए, तो आज मेरे जो जीन्स है वो ऐसे बने हुए जैसे वो हैं, क्योंकि उन्होंने उस वातावरण में उस खाने को खाया, ठीक है। तो जो आज मैं हूँ वो उनके उस रहन सहन के कारण, खान पान के कारण हूँ, ठीक है, जो मेरे जेनेटिक्स है, उनकी फूड हैबिट्स के कारण मेरी है, मेरे ये जीन्स है जो उन्होंने सैकड़ों हजारों सालों तक करी। अब तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने तो जो करा वो सही था, तो उनको देख करके पता चल गया, वो हमसे ज्यादा सेहतमंद भी जी रहे थे और वो सैकड़ों सालों तक जी के भी गए, 100-100 सालों तक जी के भी गए, और तुम्हें लग रहा है 100-100 सालों तक मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कौन जी के गया 100-100 सालों तक, तो भाई तुम्हें बहुत उदाहरण मिल जाएंगे, अभी भी जो 90-95-100 के आसपास होते हैं, अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे ख्याल से 93 साल के थे, गुजरे थे थोड़े टाइम पहले, और मैं जब छोटा था 15-17 साल पहले की बात होगी, मेरे घर के पास में गली में 103 साल की औरत थी, शायद 104 साल की औरत थी, ऐसे उस वक्त थे, अभी धीरे धीरे कम हो गई उम्र। तो अब तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने हमें हमारे जो जेनेटिक्स है, जीन्स है, हेरिडिटी है, वो हमें दी, अब तुम क्या अपने थोड़ा सा ज्ञान या तुम्हें बाहर से इंटरनेट से जो थोड़ा सा ज्ञान मिल गया, उस ज्ञान को तुमने लिया और उस ज्ञान को लगा लिया, बस थोड़ा सा कहीं से पता चला ना जाना सही है गलत है, वो कुछ कहीं से इंटरनेट पर देख लिया, अच्छा बॉडी बिल्डर अच्छा इसने फलके खाना छोड़ दिया था, अच्छा रोटी चावल बंद करने पड़ते हैं और फिर ऐसी बॉडी बनती है, अच्छा मैं भी बंद कर दूंगा, और फिर फिट रहने के लिए अच्छा चावल खाने से मोटे होते हैं, चावल बंद करने पड़ेंगे, अच्छा रोटी खाने से फैट आता है, बंद करने पड़ेंगे, फिट रहने के लिए बंद करने पड़ेंगे, अच्छा मैं बंद कर दूंगा, तुमने ज़्यादा कुछ जाना नहीं है, अच्छा ये थोड़ा सा इंटरनेट से पता चल गया है, किसी ने बोल दिया, किसी जिम के ट्रेनर ने बोल दिया रोटी चावल बंद करने पड़ेंगे, तुमने सुन लिया मान लिया, कुछ ज़्यादा पता नहीं किया और अपने खान पान में बदलाव कर दिया, जो खान पान तुम्हारा सुबह शाम का था, सुबह शाम दोनों टाइम तुम फल के सब्जी खा रहे थे, दाल खा रहे थे, तुमने उसमें से फल के हटा दिया, तुमने अपने खाने की जो आदत है उसे उसमें इतना बड़ा बदलाव कर दिया बिना कुछ खास जाने, ठीक है, तुमने कर दिया। अब तुम्हारे बच्चे होंगे, उनको खाने का तरीका कहाँ से पता चलेगा, तुम्हें देख करके तो खाना सीखेंगे, उन बच्चों को तो बचपन से यही पता चले, तुम बिना मतलब उन्हें तो जैसे रोटी देखने को ही नहीं मिलेगी जिस तरीके से तुम कर रहे हो, फिर उन्होंने कभी खाया ही नहीं है, उन्होंने बहुत कम खाया ये फल के, उन्होंने बहुत कम खाया, तो वो आगे उनके बच्चों को देखने को नहीं मिलेंगे। तुम क्या कर रहे हो, तुम पूरी जो आगे की जनरेशन है उनके खाने के तरीके में बदलाव लाने लग गए, तुम फूड हैबिट में इतना बदलाव ले आओगे खुद की और आगे आने वाले पीढ़ियों के खाने में इतना बदलाव होने लग जाएगा, तो जो उनके आगे आने वाली पीढ़ियां हैं या जो वो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके जीन्स बदलने लग जाएंगे, क्योंकि खाने का जीन से लेना देना है, उनके जीन्स बदलने लग जाएंगे, और हो सकता है जो तुमने खाने के अपने निर्णय लिए हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा ये खाऊंगा, हो सकता है निर्णय गलत हो और जो तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ियों के जो जीन्स बदले वो गलत दिशा में बदल जाए, वो ऐसे बदल जाए कि उनके लिए वो नुकसानदायक सिद्ध हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो तुम क्यों बिना अपने अल्प ज्ञान से तुम अपना दिमाग चला के अपनी होशियारी लगा करके एकदम से अपने खाने में बदलाव कर रहे हो, वो तुम्हारे को तो नुकसान कर ही सकता है, तुम्हारे बच्चे उनके बच्चों को आगे आने वाली पीढ़ियों को बहुत नुकसान कर सकता है, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उन्हें क्या पता किसी ने 100-150-200-400 साल में ये सब किया तो आज हमारे साथ ही हो रहा है, ठीक है। तो ये बात, अब कहने का मतलब ये है कि देखो यार, तुम में से कई लोग वो भी होंगे जो कहेंगे मेरे को कुछ मत बता, मैंने तो उसका वीडियो देखा था, उसने कहा था रोटी छोड़नी पड़ती है, चावल छोड़ने पड़ते हैं, तब जाके ऐप्स आती है, मेरे को ज्ञान मत दे, ठीक है मेरे को तो जो देना था वो मैंने दे दिया भाई, मेरा हक है कि मैं YouTube पे वीडियो अपलोड कर सकता हूँ और तुम्हारा हक है कि तुम मानो या ना मानो, ठीक है, तुम अगर अपनी परवाह नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कहूँगा कि अपने माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी जो भी तुम्हारा परिवार है उसकी परवाह करो, जो तुम्हारे दोस्त हैं उनकी परवाह करो, ठीक है।
लोगों के साथ, अगर तुम्हें लगता है इस वीडियो में जो बोला काम की बात है, तो लोगों के साथ ये वीडियो बांटो, खास करके उन लोगों के साथ जो कि ये फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में ये रोटी छोड़ो चावल छोड़ो और ये नारे लगाते रहते हैं, उनके साथ में बांटो, उन्हें थोड़ा उनके सामने थोड़ा ज्ञान डालो। कोई कर रहा है तो उसे रोको कि भाई तू बिना समझ के तू क्यों ये सब छोड़ रहा है, ये सब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे कितने पूर्वज इसे खाते आए हैं, अच्छा खासा जीते आए हैं, हम अपने अल्प ज्ञान से निर्णय कैसे ले लें या आगे कितने जनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें देख के और लोग करने लग जाएंगे तो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस चीज़ को मेरे हिसाब से तुम्हें काफ़ी शेयर करना चाहिए, अगर तुम्हें सही लगता है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है इस चीज़ को शेयर करने की, ये तो एक बात। इस चीज़ से जुड़ी हुई मैंने पहले कई और वीडियो बनाया है, गेहूँ ग्लूटन वीट ग्लूटन पे मेरी एक पूरी सीरीज चल रही है, जिसमें ये काफ़ी 5-6 वीडियोस बाद ये वीडियो होएगा मेरे ख्याल से, कई वीडियोस बना चुका हूँ मैं इस पर। मैं ये कहूँगा कि ज़रूर तुम ये वीडियोस देखो और लोगों के साथ बांटो, सारे इस सीरीज़ के वीडियोस देखो, काफ़ी ज़रूरी है। एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बोला जा सकता, मैंने हर एक वीडियो में थोड़ी थोड़ी अलग अलग चीज़ों पर डिटेल दी है, तुम देखो दूसरों को दिखाओ, मैं तो यही कहूँगा। और तुम्हें लग रहा है यार 15-16-17 मिनट के वीडियो बना दिए, 12-13 मिनट के, 10-10 मिनट के वीडियो बना रहे इतना टाइम इसके पास, तो देखो यार गलत हरकतें करके डॉक्टरों के चक्कर काटने में, दवाइयाँ पे खर्चा करने में, फिर बार बार डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाने में, टेस्टिंग पे खर्चे करने में, इन सब में जितने चक्कर काटोगे जितने घंटे खराब करोगे, उससे अच्छा तो मेरे ख्याल से 16-17 मिनट की वसूली ठीक है मेरे हिसाब से। वो सब नहीं करने के लिए 16-17 मिनट या घंटा 2 घंटा भी, अगर ये पूरी सीरीज देखने में तुमने 1 घंटा भी लगा दिया ना, तो भी मेरे ख्याल से वो ठीक वसूल कर लिया तुमने। मैं ये कहूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो, हमसे अगले वीडियो में नमस्कार।